दो भैया। हर किसी के बस का काम नहीं है भाई व्लॉग करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी। और भैया मैं हूँ तानी। और आज हम लोग मौजूद हैं तेहरान में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमी और तानी चंद दिन से ईरान में मौजूद हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईरान आए और यहाँ की फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर ना करें। जब हमने पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर किया था तो काफी लोगों ने फरमाइश की थी कि आप लोग जरूर इंडिया और ईरान जब जाएं तो वहाँ की फर्स्ट क्लास ट्रेन एक्सपीरियंस करें। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। हम लोग ईरान की फर्स्ट क्लास ट्रेन एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। अभी हम लोग बस ट्रेन स्टेशन पहुंच चुके हैं। स्नैप हमने ऑर्डर कर दी थी, सामान सारा लोड हो चुका है गाड़ी में। रेलवे स्टेशन से हम लोग ट्रेन ले रहे हैं फर्स्ट क्लास। यहाँ से तेहरान से हम लोग जाएंगे मशहद। मशहद तक हमें तकरीबन लगेंगे 10 से 11 घंटे पहुंचने में। और हम कोशिश ये करेंगे कि सारी वो चीजें एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाएं जो एक ईरानी फर्स्ट क्लास ट्रेन में मिलता है, जैसे कि खाना है, बाथरूम है, सीटें हैं और यहाँ की जो मशहूर ईरानी चाय है वो भी। तो बस उतरते हैं, सामान वामान अपना यहाँ से निकालते हैं, अंदर चलते हैं स्टेशन तक और फिर अपना सफर शुरू करते हैं। अरे ना 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 ब्रदर ब्रदर तो रेलवे स्टेशन के अंदर जाने से पहले मैं जल्दी से थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं कि तेहरान रेलवे स्टेशन जो है वो एक पोलिश आर्किटेक्ट था जिसने डिजाइन किया था। और 1928-29 में उसने डिजाइन किया था, फिर इसकी तामीर का आगाज हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उस आर्किटेक्ट का इंतकाल हो गया था इसकी तामीर से पहले ही। तो हम चलते हैं, बड़ी शानदार किस्म की हिस्ट्री है इसकी भाई। और ये बना हुआ कहाँ है, ये आहन स्क्वायर है और ये वली असर के बिल्कुल करीब है। तो अंदर चलते हैं, लग तो दिखने में बहुत खूबसूरत रहा है, अंदर जाके देखते हैं कि क्या कह रहा है स्टेशन। देखते हैं पाकिस्तानी ट्रेन स्टेशन जैसा है या उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। चलिए बोशत के रोज दिल कनुमो, यकी बोशत के रोज दिल कनुमो, शवुम यक लहजई शोयद रोहत, शवुम यक लहजई शोयद Minutes to go, and then we go down to the
popcorn, 3 or 4. And we go downstairs. Okay. Passport, please. We have to go to passport, please. तो बिल आखिर वक्त आ चुका है हमारी ट्रेन राइड का. भाई जो है वो सामान लेके हमारा जा रहे हैं. ये पीछे जो है ये लाइन लगी हुई है. यहाँ से आप एंटर होते हैं ट्रेन में और पीछे जो है वो लाल कालीन बिछाया हुआ है. फदक भाई मतलब छा गई है. मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी रेड कारपेट पे कदम नहीं रखा, आज भी नहीं रख रहा, क्योंकि अंकल कह रहे हैं कि मेरे पीछे आ जाओ. तो मैं अंकल के साथ सामान लेके ट्रेन पे सवार हूँगा. वहाँ पे देखें अगर इंतज़ार आपको दिखाए तो वो कालीन बिछाया हुआ है बाकायदा उन्होंने. पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, पाइंदाबाद. या हम रोसयो यक हम सपोने. वो हमारी ट्रेन है भाई, दूसरे नंबर वाली. ये जो एस्केलेटर है ये कुछ ज़्यादा ही हल्की जा रही है. मुझे नहीं लग रहा आज की तारीख में पहुंचाएगी हमें नीचे. या तो वज़न ज़्यादा है या पता नहीं बल्ला आलम क्या चक्कर है. माशा थैंक यू. तो ये हमारा डब्बा है, ये हमारी टिकट मास्टर है, उन्होंने टिकट चेक किया है, सब कुछ सही है. मशहद हम आ रहे हैं. तो भैया इतना सामान और बच्चे के साथ ट्रेन का सफ़र जो है ना होता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जो ये मरहला होता है ना सामान लेके चढ़ने वाला, ये बड़ा मुश्किल होता है. वैसे लग बहुत अच्छी रही है ट्रेन. बकायदा पूरा लाल कालीन बिछाया होता पीछे. हेलो, ये कह रहे चलो. ओके ओके, वी आर कमिंग. बस थैंक यू. थैंक यू. या मान अल्लाह. या मान अल्लाह. वैसे चार का कंपार्टमेंट होता है, हम तीन थे इनाया को मिला के, तो हमने एक के पैसे थोड़े से और दिए थे. तो आइए रूम का टूर देते हैं थोड़ा सा. आ जाए अंदर आए. तो ये है हमारा कंपार्टमेंट एंड वी हैव a door that completely shuts. Mujhe to lag rahi hai noise proof bhi hai, which is great. So as Tani told you, we have booked the entire compartment. Isme char seats hoti hain. To ek berth ye hai, ek ye wali hai, aur teesri aur chauthi ye seats wali bhi berths hain. These will go up the trays. To ye main abhi band kar deti hu. So ये एक basically middle में दोनों seats के table है, which is good अगर आप like दूसरे लोगों के साथ travel कर रहे हैं. और ये देखें, ये magic देखें, ये बेसिकली आपका अपना एक टेबल भी बन जाता है, विच इज़ ग्रेट फॉर डूइंग समथिंग व्हाटएवर यू नीड टू डू एंड हैविंग डिनर. इसको मैं अभी बंद कर दूंगी. तो हमारे कंपार्टमेंट में दो स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं, विच इज़ इनसेन. देयर इज़ म्यूजिक, देयर इज़ फिल्म एंड देव गॉट लाइक सर्विस गाइड. आई थिंक इसमें लाइक डिनर का भी बताएंगे. उसके अलावा मुझे एक बहुत ही क्यूट सा ब्लू कलर का टॉयलेट्रीज बैग मिला है. मैं ना ओपन इट अप और इसको देखते हैं कि इसमें है क्या. So we've got eye mask over here, headphones. So I think इसमें movies चलती होंगी. We've got a face mask, a कंगी, a comb, and a toothbrush set. So that is really nice. So the toilets are not too far. दो तीन compartments छोड़ के ही हैं toilets, तो उनका full अभी tour देंगे. Dinner का भी होगा full, like dinner आएगा and we're gonna have tea and everything. And the best thing is that Tani has booked 3 different dinners. तो Inaya, मेरा और Tani का तीनों अलग मील जाएंगे और आप सब देख सकते हैं कि कौन से मील्स हमें मिलेंगे. वाओ, आई थिंक कोई ईरानी ड्रिंक बन रही है. असीर, इट्स कॉल्ड असीर. ओके, इनाया के लिए ये असीर. इन ईरान शरबत. शरबत, यस यस, वी नो शरबत. In Pakistani sharbat, yes. For us two tea, please.
तो आई थिंक 15 मिनट भी नहीं हुए हमें ट्रेन पे और गर्मा गर्म ईरानी चाय आ गई है। यस मिंट मिंट अभी वो देंगे। थैंक यू थैंक यू। ये हमारी टिकट में इंक्लूडेड है बाय द वे। सो फूड इज इंक्लूडेड, डिनर एंड दीज लाइक टी, लाइक आई थिंक 10 मिनट भी नहीं हुए हमें निकले हुए। दिस इज अमेजिंग, इसका शरबत तो चखते हैं। ओहो, इट्स लाइक मिंट का शरबत, यम। Inaya madam is watching an English movie on her TV with her headphones. ये मेरी दिस इज लाइक बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। बाय द वे ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये कम्प्लीटली नॉइज प्रूफ है, हमें किसी की आवाज़ नहीं आ रही, विच इज़ ग्रेट, किसी को हमारी आवाज़ नहीं आ रही होगी। एंड एक चीज़ दिखा दूँ, आई जस्ट हैव टू शो यू, ये ट्रैश है ना, ये देखें, देयर आर बिन्स राइट अंडरनीथ आवर सीट्स। किधर भी है बेसिकली, उन्होंने इसलिए बनाया कि दो लोग यहाँ बैठे हैं तो उनके लिए ये है और जो दो लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए ये है, लेकिन हमने जाहिर है पूरा कंपार्टमेंट बुक किया हुआ है तो ये अच्छा हो गया। दिस इज अमेजिंग, पानी भी हमें मिला था। व्हाट इज दैट? टिश्यूज, या टिश्यू बॉक्स, नाइस। आपको दिखा दिया है, वीआईपी रूम है, सारी बेसिक चीजें हैं, बेसिक के अलावा जो चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो भी हैं, हत्ता के मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये स्लिपर्स भी हैं जो कि मेरे ख्याल से अच्छे होटल्स में होती हैं, तो अगर आपको चहलकदमी करनी है, थोड़ा सा रात में मटरगश करनी है तो आप ये चप्पल पहन के जो है वो जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल का जो है उन्होंने बहुत ख्याल रखा है, जैसे कि मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये रीडिंग लैंप है और ये हर सीट पे है, तो एक इधर है, एक उधर जहाँ इनाया बैठी हुई है, एक इधर है और एक इधर है। उसके अलावा यहाँ पे कोट या कपड़े वपड़े टांगने के लिए हुक्स भी बनाए हुए हैं, तो इतनी छोटी छोटी चीजों का उन्होंने ख्याल रखा है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको जल्दी से इसकी प्राइस बता दूं कि ये पूरा कंपार्टमेंट जो है वो हमें किस प्राइस में मिला, तो हमें काफी रीजनेबली प्राइस में मिला क्योंकि हमारे जो एक अदद टूर गाइड है, उनके बारे में मैं आपको आगे जाके वीडियोज में बताऊंगा, उनका नाम है मुस्तफा भाई, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता बनके हमारे लिए आए। और ईरान में आपको पता है कि फॉरेनर्स के लिए और खासतौर पर टूरिस्ट के लिए जो है वो चीजें बुक करना ऑनलाइन बहुत मुश्किल है, तो हमारे लिए आसानी उन्होंने ये की कि मैं उनको खाली कहता था कि मुस्तफा भाई मुझे जो है ट्रेन चाहिए, मुझे ये फ्लाइट बुक करनी है, मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं जाहिर है फॉरनर हूँ, दूसरे पासपोर्ट हूँ, तो उन्होंने कहा तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि जाहिर है लोकल्स के लिए उन्होंने चीजें बनाई हुई है, बाहर वालों के लिए वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। तो खैर हमें जो है ये पूरा कंपार्टमेंट तकरीबन पड़ा 80-85 USD का, तो ये तकरीबन बनते हैं 20 USD पर पर्सन, और वैसे ये यूजुअली जो है 35 USD का होता है पर पर्सन। तो मुझे नहीं पता मुस्तफा भाई के पास कौन सा ऐसा जादू का चराग था कि उन्होंने हमारे लिए इतना मतलब रीजनेबली प्राइस पे ये टिकट जो है खरीदा। अच्छा, यहाँ की दो मेन ट्रेनें जो है वो बहुत मशहूर हैं, एक जो है वो जिंदगी के नाम से, दूसरी जो है फदक 5 स्टार है, तो हम आज जिस ट्रेन में सफर कर रहे हैं इसका नाम है फदक 5 स्टार। अच्छा, जिंदगी की टिकट्स जो है वो आपको तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जो है बुक करनी पड़ती है, लास्ट मिनट पे मत छोड़िएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। और अगली दफा जब हम लोग ईरान आएंगे तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोग जिंदगी ट्रेन में जो है वो सफर करें। जहां तक बात फदक 5 स्टार की है, फदक 5 स्टार में मेरे ख्याल से डाइनिंग हॉल जो है वो नहीं होता, लेकिन खाना वाना और ये सारी सर्विस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में सवार हुए थे, मुश्किल से 5 मिनट हुए थे ट्रेन को चले हुए, और वो आंटी आ गई और उन्होंने इनाया के लिए जूस दिया, इम्तिसाल और मुझे चाय दी। तो ये जो है ये छोटी छोटी चीजें जो है वो मेरे ख्याल से किसी भी ट्रेन जर्नी को या ट्रेन राइड को जो है वो अच्छा बनाती है। देखें इनाया जो अपना जूस दिखा रही है, मिंट का जूस है, बहुत मजे का। अब सबसे जरूरी और अहम पार्ट बाथरूम का, बाथरूम नहीं देखा अभी तक हमने इस ट्रेन का, तो बाथरूम दिखाते हैं आप लोगों को और खुद भी देखते हैं, और देखते हैं कि पाकिस्तानी ट्रेन जैसा बाथरूम है या उससे साफ है। तो वक्त आ गया है ट्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपार्टमेंट दिखाने का, जो कि होता है टॉयलेट।
तो लेके चलता हूँ आप लोगों को टॉयलेट में, मैंने भी अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देखते हैं। अच्छा मजेदार चीज ये है कि यहाँ पे दोनों ऑप्शंस है, WC भी है और यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट भी है, तो चेक करते हैं टॉयलेट कितना साफ है। अच्छा थोड़ा सा सुकून हो गया है, काफी लोग जो है पहले वो यूज कर रहे थे तो अब काफी देर बाद जो है वो खाली हो गया है टॉयलेट। अच्छा तो ये जो है ये WC टॉयलेट है, चेक करते हैं, स्लाइडिंग डोर है और जाहिर है अभी थोड़ा सा लोगों ने यूज किया है तो मे बी इतना वो ना हो, लेकिन दिखने में तो ये साफ लग रहा है। ये WC है, इसके साथ यहाँ पे मुस्लिम शावर दिया हुआ है, विंडो है, ये मेरे ख्याल से बेबी सीट भी है यहाँ पे, अगर बच्चे बच्चे को चेंज करना हो तो यहाँ पे लिटा के आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोई बच्चा नहीं है जिसको चेंज करना है। यहाँ पे टिश्यूज हैं, टॉयलेट पेपर है, सोप वोप है और पानी आ रहा है, हाँ पानी भी आ रहा है। काफ़ी देर बाद मैं आया हूँ टॉयलेट और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने व्हील चेयर का इंतज़ाम भी किया हुआ है और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ रहा है कि वेकेंट है या फिर इंगेज्ड है। सबसे फिट चीज़ ये है कि आपके कमरे में जो है वो साइन लगा हुआ है तो उस पर शो होता रहता है मुस्तकिल कि बाथरूम जो है वो खाली है या कोई है उसमें। अब ये चेक करते हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो किधर है और कैसा है। वो अच्छा इधर है, तो अब हम आ गए यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट देखते हैं जो कि बिल्कुल साथ ही बना हुआ है, तो ये खोलते हैं और ये देखते हैं ये कैसा है। ओ नाइस भाई, ये तो अच्छा खासा साफ है यार, मेरी तवक्कुआत से काफ़ी ज़्यादा साफ है। बल्कि ये यहाँ पे बैग्स हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल। अच्छा ये टिश्यूज़ हैं, टॉयलेट पेपर है, सोप है, पानी आ रहा है इसमें भी और यहाँ पे विंडो भी है कि अगर स्मेल ज़्यादा हो जाए तो उसको थोड़ा सा खोल लें ताकि फ्रेश एयर आ जाए अंदर। वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस। उसके अलावा यहाँ पे देखें मुस्लिम शावर जो है वो आपको हर जगह मिलेगा, वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो साफ़ सुथरा है, इसके अलावा थोड़े से एस्थेटिक्स भी दिए हुए हैं, लाइटिंग वाइटिंग भी है फुल। और अब तक जितने भी हमने जहाज़ों में सफ़र किया जैसे एमिरेट्स है, इतिहाद है, कतर है, इन सब के टॉयलेट्स भी बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड के होते हैं, तो इसको किसी भी अच्छी एयरलाइन के टॉयलेट से जो है कंपेयर किया जा सकता है आराम से। और जगह ज़्यादा है, ज़ाहिर है जहाज़ में इतनी जगह नहीं होती, यहाँ पर जगह निस्बतन थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है। बाथरूम बहुत साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारा रात का खाना जो है वो आ चुका है, तो खाने में सबसे पहले जो है ये जमजम है, ऑरेंज ड्रिंक इनकी फेंटा की तरह की लग रही है मुझे, और उसके साथ यहाँ पे मुझे एक ये ब्रियोश बन लग रहा है जो कि हल्का सा मीठा होगा, ये खाते हैं बाद में लेकिन शुरू करते हैं। अच्छा सलाद भी है इसमें, करम कल्ला है, जैतून है, टमाटर है और पापड़ी है, ये भी खाते हैं अभी। और यहाँ पे एक और सलाद है जिसमें मेरे ख्याल से ये छोटी सी ब्रेड स्टिक्स हैं, उसके साथ कोई डिप है और जैतून और टमाटर हैं और ये रायता भी है। तो अब देखते हैं कि इसमें मेन चीज़ में क्या है। तो हमारे पास यहाँ कुबिदे हैं जो कि इनके मशहूर लैम के कबाब हैं, उसके साथ थोड़े से राइस हैं, पिकल क्यूकम्बर है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जल्दी से। दही भी साथ ही है, if you wanna have दही with it. दही भी है बिल्कुल साथ। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करने वाला हूँ ये कुबिदे और चावल और रायता, मैंने थोड़ा सा इसमें डाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा ये कबाब तोड़ा और ये रायता मिक्स किया। ट्रेन के हिसाब से बेहतरीन खाना है, बहुत उम्दा जायका है। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि बिल्कुल गर्म है और सिर्फ एक चीज़ नहीं है उसके साथ, जाहिर है यहाँ पे इन्होंने एपेटाइजर्स, सैलेड्स, रायता, बन और ये ड्रिंक भी दिया है, तो प्रॉपर मील है आपके लिए, एक बंदे के लिए इनफ फूड है। और अगर आपका पेट ना भरे तो यहाँ पे चाय वाय का बंदोबस्त भी किया हुआ है, जब आपको चाहिए आप बस उनको कॉल बटन दबा के बुलाएं और ईरानी चाय का लुत्फ उठाएं। तो तानी ने अपना कुबिदे एंजॉय कर लिया है और मैं अपना मील करने वाली हूँ। सो दिस इज पास्ता and we've got like a meaty sauce, kind of like keema jaisa hota hai, aur idhar tomato bhi hai aur olives bhi hai, bhaap literally nikal rahi hai, it is so hot,
और मतलब बहुत अच्छी सर्विस है कि मतलब इतना गरम गरम खाना, ऐसा लग रहा है हम जहाज में बैठे हैं. गोना ट्राई दिस राइट नाउ. ओए होए, वाओ, दिस इज सो गुड. इसमें मैंने सॉल्ट पेपर कोई मसाला नहीं डाला, लेकिन इसका फ्लेवर लिटरली बहुत मजे का है और बिल्कुल प्लेन नहीं है, कोई ना कोई मसाला है इसमें. इट्स लाइक सुमाक एंड पेपर एंड सॉल्ट. आई वांट टू ट्राई दिस बिकॉज ये मुझे पता नहीं क्या है. एक सेकंड. सो इट लुक्स टू मी टू बी लाइक ब्रेड स्टिक्स और कोई किस्म की डिप या क्या है. लेट्स टेक अ बाइट. ओह, दिस इज लाइक चीज. This is like a cheese, blue cheese dip with breadsticks, tomatoes and all of that. Yum. So far, hamara safar alhamdulillah bahut acha guzar raha hai. There is absolutely no noise. Even train ki itni zyada awaaz nahi aa rahi. Humne thodi der ke liye window kholi thi. So you can actually open the window over here. Lekin matlab hawa kaafi thi. Over here are like vents. तो अगर आपको हीटिंग या कूलिंग ज़्यादा या कम चाहिए, यू कैन डेफिनेटली एडजस्ट इट ओवर हियर. इसको बंद भी कर सकते हैं एंड यू कैन ओपन इट अप. सो इट्स रियली नाइस. हमने फुल एसी चलाया हुआ है बिकॉज गर्मी बहुत है. बट ऑफ कोर्स इस कंपार्टमेंट में बिल्कुल गर्मी नहीं फील हो रही. इट फील्स लाइक रियली नाइस 20 degrees. थैंक यू. थर्ड वन जस्ट टी. शी लाइक्स इरानी टी. मर्सी. तो भैया बस अभी खाना वाना खा के हम लोग बैठे थे, हाथ वाथ तक हमने नहीं धोए. आंटी आ गई नॉक करती करती और कहने लगी बेटा क्या पियोगे, चाय पियोगे कॉफी पियोगे. मैंने बोला आंटी दो नेस्कैफे कर दें जोरदार किस्म की. तो उन्होंने दो नेस्कैफे दिए, एक उधर रख दिए एक मेरे हाथ में. और कहने लगी तीसरी बेटी के लिए क्या लोगे. मैंने बोला बेटी के लिए आप ऐसा कीजिए चाय दे दें ईरानी. तो ईरानी चाय हमने बेटी के लिए मांग तो ली है, लेकिन बेटी तो यहाँ पे कुछ और खा रही है और कुछ और कारस्तानियां दिखा रही है. तो बेटी नहीं पियेंगे, हम ही पियेंगे. You know what? बड़े मजे की नेस्कैफे, वो मशीन वाली जो होती है ना, बिल्कुल वही है. इसकी अशद जरूरत थी क्योंकि सुबह से हम लोग निकले. मैं अपने होटल से हमने चेकआउट किया था तकरीबन 10:30 बजे. उसके बाद फिर टैक्सी में सवार हुए, काफी हमने धक्के वक्के खाए क्योंकि आज स्नैप जो है वो काफी देर में मिली हमें. उसके बाद खैर जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो हमने तकरीबन 3-3.5 घंटे जो है वो स्टेशन के ऊपर गुजारे. और वो किस तरह से गुजरे वो बहुत मुश्किल था क्योंकि कभी इधर कभी उधर, कभी किसी से पूछा कि कब ट्रेन जाएगी, यही है स्टेशन जहां से ट्रेन जाएगी या नहीं जाएगी, तो किसी को समझ भी नहीं आ रहा था. लेकिन अल्लाह का शुक्र वो सारी थकन जो है ना ये कॉफी दूर कर देगी. और उसके साथ ये जन्नती अंगूर भी है भाई, तो ये भी खाएंगे हम. और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफा खोल के, वरना लोग काफी एतराज करते हैं कि आप लोग दिखाते नहीं है कुछ. तो ये देखिए डब्बा बहुत बड़ा है, अंदर से दो पेस्ट्रियां निकली हैं छोटी छोटी. ओए होए होए, ये तो यार बहुत ही मजे की है, जैसे हमारी बर्फी होती है ना. इनाय खाओ जल्दी खाओ. ये मेरे ख्याल से नारियल या खोपरे की बनी हुई है, ऊपर जो इन्होंने अनारदाना और पिस्ते रखे हैं. इनाय ये खा के देखो बेटा, ये आप खा के ना, ये खा के आप मुझे ऐसी दुआएं दोगी, आप बोलोगी पप्पा मुझे ये रोज खिलाए. ये खा के देखो आप पप्पा को दुआएं दोगी, यकीन मानो मेरा. मेरे अपने बाप के हाथ से खा लो, जन्नती है जन्नती. खा के देखो स्वीट है. खा लो नखरे बहुत हैं. उसके साथ यहाँ पे दूसरी मिठाई है, मुझे लग रहा है चॉकलेट की है. ये भी ट्राई कर लेते हैं. ऊपर मुझे लग रहा है अखरोट है. दोनों बहुत मजे की है भाई. तो ये भी खाएंगे. उसके साथ यहाँ पे हमारे पास फ्रूट सैलेड भी है, इसमें आड़ू है, अंगूर है, खरबूजा है. तो ये भी खाते हैं अभी, लेकिन पहले चाय हो जाए कॉफी हो जाए. अच्छा, तो साथ साथ यहाँ पे मैं एक और काम की बात बताता चलूँ. तो ये जो ट्रेन है फदक एक्सप्रेस 5-स्टार, इसमें आपको इंटरनेट की सहूलत भी मिलती है भाई. तो टिकट के अंदर ही ये शामिल है, तकरीबन 1 GB तक आप इंटरनेट जो है वो यूज कर सकते हैं, जो कि काफी है. अगर आपको नॉर्मल ब्राउजिंग करनी है तो वो आराम से आप कर सकते हैं. फदक, हाँ ये तो फदक इंटरनेट 114 शो तो हो रहा है, डाल के चेक करते हैं. बिस्मिल्लाह. चल जा भाई चल जा. ओ सक्सेस. अच्छा जी, तो अब गूगल खोलते हैं, चेक करते हैं कि चल भी रहा है या नहीं. ग्रेट, चल गया इंटरनेट. तो भाई और क्या चाहिए आपको. तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है MTN ईरान सेल.
जो यहाँ का इंटरनेट है, मेरे ख्याल से ये प्रोवाइडर होगा। और ट्रेन में हमें तकरीबन मिल रही है जो कि मुझे लग रहा है 1 point something MB होगी, जो कि बुरी नहीं है ट्रेन के हिसाब से। ज़ाहिर है मतलब वैसी स्पीड तो नहीं मिलेगी जो शहर में मिलती है आपको अमूमन, लेकिन 2.57 मिल रही है जो कि बहुत मुनासिब है। आप लोगों को दिखाने का मकसद यही था कि इससे अच्छी ट्रेन मेरे ख्याल से हमने अब यूरोप में भी ट्रेन ली थी, फर्स्ट क्लास गए थे ऑस्ट्रिया से हंगरी और इसके बाद रोमानिया, और फिर हमने पाकिस्तान में भी ली थी, इजिप्ट में ली थी, लेकिन वो आप लोगों को अभी तक नहीं दिखाई है, बाद में दिखाएंगे। अब तक की हमारी बेहतरीन फर्स्ट क्लास ट्रेन है ये। ये फैसिलिटी ने तो मुझे मतलब मेरा दिल जीत लिया कि इंटरनेट भी आपको प्रोवाइडेड है, तो कमाल है यार ये ट्रेन, वाकई में बहुत अच्छी ट्रेन है भाई। We've got 2 flat screens in our coupe, और इसके लिए एक रिमोट दिया गया है, and it's a really tiny little remote. इसमें volume है, menu है, and you can pretty much go into the other things like YouTube as well, because internet connected है इस वक्त। तो मैं actually जाऊँगी film and music पे, and I just want to show you guys कि हमारे पास काफ़ी options हैं इधर। So we've got audio books, animations, documentaries, international films. तो लेट्स गो टू इंटरनेशनल फिल्म्स। इनाया ने बहुत सारी एनिमेशन देख ली है, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या देखना है। इमी और तानी क्या देखेंगे? वेल, ये देखें इंडियन मूवीज। अगर आप इंडियन हैं और देख रहे हैं, मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियो। एंड और क्या है ऑप्शंस? सो मेनी ऑप्शंस टू बी ऑनेस्ट। बस अब टाइम हो गया है कि हम जल्दी से सो जाएं, क्योंकि सुबह जो है ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगी ट्रेन। मेरे ख्याल से सुबह के 6:30-7 बजे तक जो है ये वहां पहुंच जाएगी मशहद। और इसके साथ यहां पे हमें जो है उन्होंने ये चादरें और खिलाफ तकिए के ये भी दिए हैं, साफ बिल्कुल प्लास्टिक में। तो ये हम सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं ये वाली जो बर्थ है ये खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ ऊपर सोऊंगा। बिल्कुल साफ सुथरी धुली हुई चादरें, साफ नई खुशबू भी आ रही है। अच्छा, उसके साथ यहाँ पे तकिए जो हैं वो भी उन्होंने काफी दिए हुए, तो मुझे 2 तकिए तो चाहिए होंगे सोने के लिए। अच्छा, उसके अलावा ये जो नीचे वाली बर्थ है, जैसे इम्तिसाल और इनाया यहाँ सो रहे हैं, तो ये जो है ये थोड़ी सी बाहर एक्सटेंड हो जाती है, तो ये थोड़ी और बड़ी हो जाती है इस तरह से। अगर मैं इसको पुल करूँ देखें ऐसे, तो अब इसमें भी आराम से सोया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये सीढ़ी बनाई हुई है छोटी सी, इसको ऐसे आप खींचते हो तो ये ऊपर हो जाती है। पहुंच गए आसमान की बुलंदियों पे भाई। एक चीज रह गई है, लाइट ऑफ करनी है, तो लाइट्स ऑफ, नाइट लाइट ऑन, और शब बखैर। मॉर्निंग, और हमारी ट्रेन तो लाइक 10 घंटे में ही पहुँच गई मशहद। इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मुहर्रम एज वेल, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमेजिंग फीलिंग है कि हम मशहद में हैं, विच इज़ द होलीस्ट सिटी ऑफ ईरान। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तानी और इन्नू। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक आवर वीडियो, एंड डू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स कि हमें क्या क्या करना चाहिए मशहद में। Sorry. Sorry. See you. No.